वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज से बिल्कुल एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है मनी। आइए मनी पर आए, मनी के बारे में कुछ समझें, मनी के फंक्शंस के ऊपर हम आए। उससे पहले हम बार्टर सिस्टम को समझ लेते हैं। तो आज से काफ़ी टाइम पहले हमें हमारे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम हुआ करता था। अब सवाल ये कि सर ये बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या था? तो गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज को हम बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक एक व्यक्ति के पास में वीट है और उसको शुगर की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, वो वीट दे करके और उसके बदले में वो शुगर ले लेगा। तो गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज हो गया। तो ये जो गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज होता है, इसी को हम बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं। और मनी तो अभी कुछ समय से आई है, लेकिन मनी के पहले किस तरीके से हम अपनी नीड्स को फुलफिल करते थे, या अपने लिए किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो अरेंज करते थे, गुड्स एंड सर्विसेज दे करके गुड्स एंड सर्विसेज हम अपने लिए अरेंज करते थे, इसी को हम बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। अब क्वेश्चन हमारे पास में ये है, अब क्वेश्चन हमारे पास में बच्चे ये है कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के अंदर आपके पास में ये एक तरीके से डायरेक्ट डील, इसको कहते हैं हम डायरेक्ट एक्सचेंज कहते हैं इसको हम। डायरेक्ट एक्सचेंज का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज के टाइम की बात करता हूं, तो आज के टाइम में आपको नीड किस चीज की है? एजुकेशन की नीड है। इस समय आपको जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके पढ़ने की नीड है। तो इस समय मैं आपको जो चाहिए वो तो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, अब मैं अगर आज की बात कर रहा हूं। लेकिन जो मुझे जो मेरी नीड है उसका क्या, उसके लिए आप मुझे पे कर रहे हैं, लेकिन वो जो आप मुझे पे कर रहे हैं जो करेंसी जो मनी, उस वो मनी तो नहीं, तो मैं डायरेक्टली उसको मैं कंज्यूम तो कर ही नहीं सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसको मैं नहीं तो पहन सकता हूँ, नहीं मैं उसको खा सकता हूँ। तो मनी मेरे किसी काम का नहीं है। मैं उस मनी को लेकर के मार्केट में जाऊंगा और जहां पर मेरे नीड से रिलेटेड चीजें होंगी वहां से मैं इस मनी को देकर के वो चीजें लेकर के आऊंगा। लेकिन आपकी नीड तो मैंने अभी फुलफिल कर दी, बट मेरी नीड जो है मैं मार्केट में जाकर के अपने लिए अरेंज करूंगा आपने जो मुझे मनी दी उससे। तो इस तरीके के जो है, इस तरीके से इसको हम इनडायरेक्ट जो है डील कहेंगे। लेकिन बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में डायरेक्ट एक्सचेंज होता था। डायरेक्ट एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे शुगर चाहिए और सामने वाले को वीट चाहिए और मेरे पास में वीट है उसके पास में शुगर है, तो मैंने क्या करा, मैंने उसके नीड्स को उसी टाइम सेटिस्फाइड कर दिया वीट दे करके, और उसने मेरे नीड्स को उसी टाइम सेटिस्फाइड कर दिया शुगर दे करके। अब मुझे किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए बार्टर एक्सचेंज सिस्टम को हम जो है डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम भी कहते हैं। क्लियर है? तो गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज बार्टर एक्सचेंज है। क्लियर है? और ये डायरेक्ट एक्सचेंज होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और आप देखेंगे कि खैर गांव में देहात में आज भी आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं, जो कि जनरली नहीं करते हैं लोग, पर कभी कदार जो है ऐसी चीजें हो जाती हैं कि लोग एक सामान देकर के दूसरा सामान ले लेते हैं गांव में। तो इसको हम बार्टर एक्सचेंज कहते हैं, जो कि आपको आज भी देखने को मिलेगा। बच्चे क्लासेस में वीडियो में ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं कमेंट पे अपने नजर बनाए हुए हूँ, प्लीज उसी समय आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए अब बच्चे यहां पर मैं बात करता हूं, बात करें। आप सोचेंगे सर ये पीडीएफ जो इतने इतने आपने खूबसूरती के साथ में तैयार करा है, इस कंटेंट को इतना ही पढ़ना है जितना मैंने लिखवाया है, इजी से इजी वे में लिखवाने की मैंने कोशिश की गई है। ये आपके लिए बना हुआ है, आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के इस पीडीएफ को आप ले लीजिए। क्लियर है? आपके लिए ये बच्चों, अब पीडीएफ लेना शुरू कर दो आप। हाँ जी, तो यहां पर बार्टर एक्सचेंज के बारे में क्या कहता है जरा समझिएगा। कुछ आप पिक्चर देख के भी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ये एक सामान दे करके ये दूसरे सामान इससे लेगा, ये अपना सामान दे करके ये इससे सामान लेगा। तो कहीं पर भी करेंसी, कहीं पर भी मनी नहीं है, गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है आपका। अगर आप यहां पर देखेंगे बार्टर एक्सचेंज के अंदर, तो बार्टर एक्सचेंज रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। तो बार्टर एक्सचेंज क्या है? रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स एन इकोनॉमी वेयर देर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान रखना है आपको। डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ बार्टर इकोनॉमी या फिर सीसी इकोनॉमी। क्लियर है जी, बात समझे? अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक तो आपके लिए लग रहा था जितना इजीली आपने इसको सुना कि बार्टर एक्सचेंज का मतलब है गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज बार्टर सिस्टम, इतना आसान था नहीं ये। बहुत समस्याएं थी इस बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी ड्रॉबैक थी। इसकी जो है ना खामियों को, इसके ड्रॉबैक को
हम लिमिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटेशंस कहते हैं। तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, इस सिस्टम की क्या लिमिटेशन थी, इस सिस्टम की क्या खामियां थी, उस खामियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना आसान नहीं था कि मैं गया और मेरे पास जो गुड्स था मैंने सामने वाले को दे दिया और जो मेरी जरूरत का सामान था मैंने उससे ले लिया और ये डायरेक्ट जो है एक्सचेंज हो गया। इतना आसान सुनने में लगा, इतना आसान है नहीं। इसमें बहुत तरीके की और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी, बहुत बड़े बड़े इसमें प्रॉब्लम्स थे। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थे, आइए एक एक करके उन प्रॉब्लम्स को उठाते हैं, उन प्रॉब्लम्स पर चर्चा करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आपके सामने फेस आ रही थी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पास में क्या थी, लैक ऑफ डबल कॉइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, इसको आप जरा समझिएगा कि लैक ऑफ डबल कॉइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहां पर दो लोग हैं, एक मैं हूं और एक आप हो, ठीक है जी, दो लोग हैं। मैं कहता हूं, ध्यान सुनिएगा, ये मेरी बात, मेरी टर्न है। मैं कहता हूं, मैं अपने सिचुएशन के बारे में बताता हूं कि मुझे शुगर की नीड है, चीनी की मुझे जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाता हूं गांव में लोगों के पास में और मैं बोलता हूं कि भाई साहब चीनी दे दो, मुझे चीनी की नीड है। अब वो मुझे देगा, सबसे पहले तो उसके पास में होना भी तो चाहिए, वो मेरी बात समझिएगा कि मुझे तो नीड है, मुझे समझ में आता है, पर जब सामने वाले से मैं लेने के लिए जा रहा हूं, पूछने जा रहा हूं, तो उसके पास होगा तभी तो वो मुझे देगा। तो सबसे पहले मुझे एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन मुझे ढूंढना पड़ेगा जिसके पास में मेरी नीड की चीज अवेलेबल है। पहली चीज तो ये, तो एक तो मैं ढूंढ ढूंढ के उसके पास पहुंचूंगा और मुझे वो मिला तो ये मत सोचिएगा आप मुझे मिले, ध्यान समझिएगा, आप मुझे मिले, आपके पास में चीनी था, मैं ढूंढ ढूंढ के आपके पास में पहुंचा और आपके पास से पहुंचते ये मत सोचिए मुझे कामयाबी मिल जाएगी। मैंने आपको कहा कि भैया आपके पास चीनी है, आपने कहा जी हाँ मेरे पास तो अवेलेबल है शुगर, तो मैंने कहा कि मुझे नीड है इसकी, तो मुझे चाहिए, क्या आप इसको देंगे, आपने कहा मैं देने के लिए रेडी हूं, तो ठीक है। एक तो कोइंसिडेंस वाली बात है कि भैया आप मुझे टकरा गए, आप मुझे मिल गए, जो मुझे चाहिए था वो आपके पास में है और आप उसको देने के लिए भी रेडी हैं, तो मैंने बोला ठीक है जी, क्लियर है, जल्दी से दे दो मुझे, है ना, क्लियर है। तो मैंने कहा आपको लाइए लाइए मुझे दे दीजिए आप, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो आपको शुगर दे दूंगा, बदले में आप मुझे क्या दोगे, तो मैं कहूंगा मेरे पास में वीट अवेलेबल है, मैं वीट लेकर के आया हूं, मैं आपको वीट दे देता हूं। तो आप कहोगे कि लेकिन मुझे वीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे तो राइस चाहिए। आप कहोगे वीट की मुझे रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बोलूंगा यार मैं तो लेकिन वीट ही दे सकता हूं आपको। तो ये डील मेरे और आपके बीच ही क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। तो एक तो भैया सुबह से लेकर ढूंढ रहा था मैं किसके पास में शुगर अवेलेबल है, और एक मिले भी आप, तो आपको आपके पास में मेरी नीड की चीज तो है बट आप मेरे पास में एग्जैक्टली वो नहीं है जिसकी नीड आपको है, इस वजह से भी ये हमारी डील नहीं हो पाएगी। फिर बड़ी मुश्किल से एक बंदा मिलेगा और कि भाई जो मुझे चाहिए वो उसके पास है, जो उसको चाहिए वो एक्स्ट्रा मेरे पास है, इस तरीके का। तो इसको तो संयोग की बात कहेंगे भैया, इसे तो किस्मत की बात कहेंगे, इसको तो कोइंसिडेंस कहेंगे भैया, इसी को कहते हैं हम लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब कि दोनों तरफ से वांट्स का कोइंसिडेंस होना। ये बहुत रेयर होता था, ऐसे नहीं आप गए और ऐसा आपको मिल गया, आपको ढूंढना पड़ता था इसके लिए। तो पहली जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की जो सबसे पहली समस्या थी वो समस्या यही थी कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखिएगा मैंने बहुत प्यार से नोट्स बनाए आपके लिए ताकि आपको पढ़ने वक्त में भी आपका मन लगे, आपका दिल बना रहे, दिल लगा रहे, आपका दिल तो आपका बना हुआ ही है बस दिल लगा रहे आपका, क्लियर है, पढ़ाई में लगा रहे, दिल भी आपका लगा हुआ है लेकिन पढ़ाई में आपका दिल लगा रहे। हाँ जी, तो देखिए व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, बात समझ गए। तो यहां पर आप देखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि इतने खूबसूरती से कंटेंट आप सर पेश कर रहे हैं, इतना इजी वे में आप लिख रहे हैं, कैसे पॉसिबल है। बेटा आपके लिए तो रात दिन मेहनत करेंगे और इसको मैं जो है अवेलेबल भी करवा रहा हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और आप इसको ले लीजिए, ठीक है। हाँ जी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसका मतलब समझे क्या हुआ, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या कहता है, बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर्स एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स, ठीक है भैया। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम तभी वर्क करता है ना कि मैं और आप अपने गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडी रहें। क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल ए कैन एक्सचेंज गुड्स विद बी ओनली वेन ए हैज वॉट बी वांट्स एंड बी हैज वॉट ए वांट्स, मतलब ए के पास में जो है वो बी को उसकी चाहिए और जो बी के पास में है वो ए को चाहिए। हाउएवर सच अ डबल कोइंसिडेंस इज वेरी रेयर, इतनी सी बात लिख देंगे कहानी खत्म होगी, पूरा क्या पैराग्राफ बनाने में लगेंगे। आप इन्हीं बातों को लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम आप फर्स्ट पॉइंट लिखे बड़े प्यार से, आपके पास में इतना कलर तो नहीं होगा लेकिन आप बड़े सुंदर तरीके से लिखिए उसको, अंडरलाइन तो आप कर सकते हो, क्लियर है जी, समझ गए। तो यहां पर आप देखेंगे ये बात समझ में आपको आए नहीं आए बताइए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हाँ जी, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, ये बात आप समझ गए जी, कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? हाँ जी, चलिए बात अब हम करते हैं यहां पर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बच्चे जो है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में एक और, उस टाइम पे सिर्फ लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स नहीं था, एक और प्रॉब्लम थी कि हम किसी की वैल्यू को कैसे मेजर करें। आज के टाइम पे तो मेजर हो सकता है कि ये गोल्ड है 1 ग्राम है 5,000 रुपीज, ये चेयर है 250 रुपीज, आपके फीस इतने रुपीज, ये हाउस इतने रुपए। हर किसी की वैल्यू को आज के टाइम पर हम मनी में, रुपीज में मेजर कर सकते हैं, लेकिन उस समय तो मनी था ही नहीं, तो उस समय किसी की वैल्यू को मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट होता था। फॉर एग्जाम्पल गांव में एक वैद्य जी हैं जो कि लोगों का इलाज करते हैं, वो किसी अमीर के घर में इलाज करने गए तो बदले में उसको बहुत जो है कीमती रत्न मिल गए, और किसी गरीब के घर में गए तो बदले में उसको बाजरा मिल गया। तो उसको खुद ही नहीं उनको मालूम होता था कि जो वो सर्विस दे रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, और अगर उसको उसकी वैल्यू भी पता है तो बट कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होता था कि उसको इतनी सर्विस के बदले में क्या सामने वाले से उसको मिलेगा। तो आपको ठीक है, अब हम यहां पर मैं वीट से शुगर का एक्सचेंज कर रहा हूं, पर मुझे आइडिया नहीं है कि मैं 1 kg शुगर के लिए कितने केजी में वीट आपको दूं। आज मैं 1 kg शुगर के लिए 1 kg वीट दे रहा हूं, नेक्स्ट टाइम अगर और रेयर हो गए डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स तो वहां पर पता लगेगा कि मैं 1 kg शुगर के लिए 2 kg में वहां पर ऑफर करना पड़ रहा है मुझे अपने वीट। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी था कि किसी की कितनी वैल्यूज है ये पता ही नहीं चलती थी, उसका कोई कॉमन यूनिट ही नहीं था। आज तो हर चीज को हम, पैसा एक कॉमन यूनिट है, सबको हम रुपए में मेजर कर लेते हैं, और यहां तक कि रुपया तो इतना काम करते कि इंसान के औकात को भी नाप लेती है कि भैया इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन उस समय तो कमोडिटी की वैल्यू को भी मापना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मेरी बात समझिएगा, बीच बीच में थोड़ा सा सामाजिक मुद्दे में उठाता हूं, है ना, कोई बात नहीं, सामने देखेंगे। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, आप इस कंटेंट की खूबसूरती देखिए, आपके आंखों के आगे ही मैं मानता हूं कि आपको पढ़ने का मन भी कर रहा होगा, क्लियर है, दोनों ही बहुत खूबसूरत है कंटेंट, एक जो आपके पास में, जो आपको पढ़ा रहा है, ये भी कम नहीं है। सिर्फ कंटेंट के बारे में ज्यादा बोल नहीं रहा हूं क्योंकि जो चीज अच्छा है उसके बारे में बोलने की जरूरत क्या है। हाँ जी, तो आइए, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू इन द बार्टर सिस्टम, ऑल कमोडिटीज आर नॉट ऑफ अ वैल्यू, इक्वल वैल्यू होना चाहिए था, इक्वल वैल्यू, एंड देर इज अ नो कॉमन मेजर यूनिट। पहले कोई भी कॉमन मेजर, आज जैसे रुपीज है, हर चीज को रुपये में मापा जाता है, बट उस समय में ऐसा नहीं था। और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस, फॉर एग्जाम्पल इफ ए हैज वीट एंड बी हैज राइस, देन इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड हाउ मच वीट इज नीडेड टू एक्सचेंज विद 1 kg ऑफ राइस। इन द एबसेंस ऑफ द कॉमन मेजर द एक्सचेंज रेशियो इज द फिक्स रैंडमली इन विच वन ऑफ द पार्टी जनरली सफर्स। एक पार्टी यहां पर सफर करता था भैया, क्योंकि फिक्स पता ही नहीं था ना कि किसकी वैल्यू कितनी है। भाई मेरी बात समझे या नहीं समझे, चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बच्चे लैक ऑफ आज के टाइम पर क्या है, मैं आज के टाइम से आपको पहले रिलेट करता हूं, फिर आप इस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। आज के टाइम पर आप मुझे कहते हैं कि सर मुझे 1 lakh rupees आप उधार दे दीजिए, मैं कहूंगा आपसे सिंपल सी बात कहूंगा, ठीक है मैं आपको 1 lakh rupees उधार दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल है बच्चे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास में 1 lakh rupees है और मैं उधार देने की क्षमता रखता हूं, और ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी 1 lakh rupees की नीड है, दोनों बातें सही है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं। हाँ जी, तो मैं आपसे यहां पर ये कह रहा हूं कि आपको मैं 1 lakh rupees, मान लीजिए आपने उधार मांगा, तो मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि जी 1 lakh rupees मैं आपको दे तो दूंगा, लेकिन क्या प्रॉब्लम है मेरे सामने, आज इस 1 lakh rupees को आपको देने की बजाय अगर मैं मार्केट जा करके कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को अगर मैं बाय करूं तो मुझे 1 lakh rupees की बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन अगर ये पैसा मैं आपको दे देता हूं तो आप मुझे रिटर्न नेक्स्ट ईयर करेंगे,
आप कहते हो जी ठीक है, हाँ जी सर हम आपको नेक्स्ट ईयर रिटर्न करेंगे। तो अगर आप मुझे नेक्स्ट ईयर जब आप मुझे 1 लाख रुपए आप रिटर्न करोगे, तो फिर मैं इस 1 लाख रुपए को मार्केट में लेकर के जाऊंगा, तो मेरे लिए इतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ने से वो सब चीज़ें जो हैं उनकी कीमत बढ़ चुकी होगी। तो पहले 1 लाख रुपए में जितना सामान जुटा सकता था, अब अगले साल 1 लाख रुपए में उतना ही सामान नहीं जुटा पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मैं मेरे लिए लॉस हो गया वो। आज तो आप 1 लाख रुपए ले जाकर के अपने लिए गुड सर्विस अरेंज कर लेंगे, बट जब आप 1 साल के बाद मुझे 1 लाख देंगे, तो मैं ये गुड सर्विस अरेंज नहीं कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं सफर करूंगा, मुझे लॉस हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इंटरेस्ट नाम की चीज आ गई कि भैया जो आप पैसा मुझसे उधार ले रहे हो तो आप वापस करो ही करोगे, प्लस में मान लो फॉर एग्जाम्पल 10% इंटरेस्ट है, तो मतलब 1 लाख का 10% 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए तो दोगे दोगे, जो कंपनसेट होगा इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, तो उस लॉस को मैं अपने 10,000 से कवर करूंगा, तो प्लस में 10,000 रुपीज आप और दोगे। तो मेरे और आपके बीच में ये बात हो गई है, आपने कहा ठीक है जी, आपको मैंने पैसा दिया और आपने मुझे 1 लाख प्लस में 10,000 रुपये मुझे रिफंड कर दिए, नहीं तो मेरा लॉस नहीं आपका लॉस आज के टाइम पे। तो और जब आपने मुझे पैसा वापस किया तो हमारे मेरे और आपके बीच में कोई इशू भी नहीं रहा। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने आपको 2,000 के नोट दिए थे, आप मुझे 500 के नोट क्यों दे रहे हो, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने करारे नोट दिए थे, आप थोड़े से वैसे नोट क्यों दे रहे हो, मैंने कुछ नहीं कहा। बस वो नोट जो है वो नोट लीगल टेंडर होना चाहिए, मतलब कि वो चलना, वो हमारी इकोनॉमी में रन करना चाहिए, चलना चाहिए, बस ये कंडीशन है। आप दो दोगे, चाहे वो थोड़ा पुराना हो, चाहे वो बिल्कुल नया हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा नोट हो, उसको मैं लूंगा, उसको लेकर के मैं कोई इश्यूज क्रिएट नहीं करूंगा। तो आज के टाइम पर तो पेमेंट करना बड़ा ईजी हो गया है इन अ फ्यूचर में, पर उस टाइम की बात करिए जब मनी था ही नहीं, तो क्या होता था, उधार लोग कैसे लेते थे। किसी घर में एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ, उसको दूध की नीड है, तो उसके पास गाय नहीं है, उसने पड़ोस से गाय मांग ली कि यार कुछ समय के लिए आप हमें एक गाय उधार दे दो, बच्चा थोड़ा सा 2, 4, 5, 6 महीने का जैसे ही हो जाएगा स्टेबल, हम आपको आपकी गाय को वापस कर देंगे। तो उस समय उधार ऐसे ही लेते थे गुड्स, क्योंकि भैया था ही ना, गुड्स ही उधार लेते थे, गुड्स ही रिटर्न करते थे। अब मैं गाय लेकर के आ गया, जब रिटर्न करने जाता हूँ मैं 6 महीने बाद, तो कहते हैं यार मेरी गाय सुखा दी आपने, मेरी गाय तो अब उतनी दूध ही नहीं देती जितनी पहले देती थी। तो उस समय जब गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज होता था बार्टर सिस्टम में, तो उस समय फ्यूचर में जब हम रिटर्न करने जाते थे, तो उसकी क्वालिटी को लेकर के इश्यूज क्रिएट होते थे। अगर मैं आपसे राइस ही ले रहा हूं, तो जब मैं रिटर्न कर रहा हूं, तो आप मुझसे ये कहोगे कि यार मैंने किस क्वालिटी का दिया था, मुझे किस क्वालिटी का रिटर्न कर रहे हो। तो उस समय जो है एक पार्टी सफर करती थी, लॉस तो होता ही था, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा नहीं लौटाया जाता था। आज तो इंटरेस्ट कंसेप्ट है, उस समय नहीं था ऐसा कोई कंसेप्ट। तो एक तो उसकी क्वालिटी को लेकर के इश्यू आता था, और प्लस में एक चीज की वैल्यू आने वाले टाइम में हमेशा स्टेबल ही रहती है, घटती बढ़ती है, और जब वैल्यू घटेगी बढ़ेगी तो एक पार्टी सफर करेगा, बात समझे। तो उस समय उस टाइम पर एक और लिमिटेशन सामने थी, एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अंडर बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग द फ्यूचर पेमेंट ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, द बोरोअर मे नॉट बी एबल टू अरेंज द गुड्स एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ द रीपेमेंट, जैसा लिया था एग्जैक्टली वैसा वापस नहीं कर सकता है। देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कॉमोडिटी इज टू बी यूज फॉर द रिपेमेंट, तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाया करता था उस टाइम पे। द कॉमोडिटी टू बी रिपेड मे लॉस और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ द रिपेमेंट, एक पार्टी जरूर सफर करती थी। मेरी बात आप समझे या नहीं समझे, क्लियर है जी, कोई डाउट किसी बच्चे को, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो बच्चे लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू आज के टाइम पर हाँ जी, तो आज के टाइम पर क्या है, आज के टाइम पे हमारे पास में लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू है। अब लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है, मतलब उस समय सॉरी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के टाइम पे एक और मेजर प्रॉब्लम थी, लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में। पहले तो लिमिटेशन, पहली प्रॉब्लम क्या रही कि लैक ऑफ डबल कॉइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दूसरा क्या रहा कॉमन लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा क्या रहा लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और चौथा क्या है आपके पास में लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम पर हम अपनी वैल्यू को, किसी चीज की वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना मेरे बैंक में मेरा बैंक बैलेंस 5 लाख का है, मेरा बैंक बैलेंस 50 लाख का है, मेरा बैंक बैलेंस 1 करोड़ का है, तो अपनी जो उसकी वैल्यू है उसको एज अ बैंक में आज के टाइम पे, आज के टाइम की बात करता हूँ, बैंक में जाकर के हम रख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कोई सिक्योरिटी गार्ड की भी नीड नहीं है, वो बैंक वाले की हेडेक है, वो बैंक वाला समझे, चोरी हो जाए डकैती हो जाए वो बैंक वाला समझे, मुझे तो मेरा पैसा बैंक से मिलेगा ही मिलेगा। तो बैंक में पैसा रख दिया मैंने और बेफिक्र होकर के मैं सो गया, और उल्टा मेरा पैसा घटने की जगह वो इंटरेस्ट खाते में बढ़ के ही मुझे मिलेगा,
तो कोई चिंता नहीं है, आज के टाइम पे तो इतनी सुकून की जिंदगी चल रही है, लेकिन उस समय तो मनी थी नहीं, तो लोग अपने एसेट्स गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में होते थे, और मोस्टली गुड्स के फॉर्म में ही एसेट्स होते थे, लोगों के पास जो वैल्यू होती थी, जो वर्थ होती थी, वो गुड्स के फॉर्म में होते थे। अब गुड्स के फॉर्म में अगर लोगों के पास में वैल्यूज हैं, तो गुड्स किसका मतलब क्या हुआ कि किस अमीर और वो हुआ कि जिसके पास में ज्यादा गाय हैं, ज्यादा बकरियां हैं, ज्यादा अनाज है, क्लियर है? तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे तो वो उसको स्टोर कैसे करते होंगे, तो इसके रख रखाव के लिए एक बहुत बड़े स्पेस की नीड होती थी। अगर 100, 200, 500 बकरियां हैं, गाय हैं और उसके पास में अनाज है, तो उसको स्टोर के लिए बहुत बड़ा स्पेस की नीड होती है, तो वो स्पेस वो अरेंज करते थे। और प्लस में उसके मेंटेनेंस में भी बड़ा हेडेक रहता था कि भैया अगर बकरियां हैं तो सुबह लेके जाओ, शाम को लेकर के जाओ, उनमें से किसी को बीमारी लग जाएगी तो एक आधा खत्म हो जाएगी, तो वो चीजें मेरा नुकसान हो जाएगा। अनाज है, उसमें अगर कुछ चीजें आ गई, कुछ चीजें खराब हो गई, तो वो अनाज मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो एक बड़ा चैलेंज था कि हम अपनी वैल्यू को कैसे अपने पास में रखें, स्टोर ऑफ वैल्यू, कब? बाटेक्स सिस्टम में। आज ऐसे चैलेंज नहीं है हमारे पास में, आज हम बहुत ही इजिली स्टोर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं, एज अ बैंक अकाउंट में, एज अ डिजिटल फॉर्म में अपने पास में हम एसेट्स को स्टोर कर सकते हैं, क्लियर है? तो ये अंडर द सिस्टम इज अ डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू स्टोर द वेल्थ फॉर द फ्यूचर यूज, बिकॉज बिकॉज देखिए भैया, हम भी आज के टाइम पर अगर स्टोर करते हैं वैल्यू, क्यों? ताकि हम फ्यूचर में इसका यूज कर सकें, फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल कर सकें। मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक व्हीट, राइस, वेजिटेबल एक्सेट्रा डू नॉट पोसेस द ड्यूरेबिलिटी। तो बच्चे, ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो लंबे समय तक बार बार यूज में लाया जा सकते हैं, जो कि जिसकी सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग रन हो, लंबे समय तक जो टिक सके, उसको हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। लाइक आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है ना, आपके घर में जो टेलीविजन है, उसको ड्यूरेबल बोलेंगे, क्लियर है? और जो आपके कपड़े हैं ना, इसको सेमी ड्यूरेबल बोलेंगे, क्योंकि इसकी लाइफ 1-1.5 साल ही रहती है, क्लियर है? और जो फूड है ना, लाइक मिल्क हो गया, ये सारी चीजें हैं, ये आपका जो है ना नॉन ड्यूरेबल होता है, क्योंकि ये एक बार यूज करते ही फिनिश हो जाता है। तो इसी तरीके से स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर द टाइम एंड एफर्ट, एज अ रिजल्ट द गुड्स कैन नॉट बी यूज टू स्टोर द अर्निंग्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो इसको स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता था, देख रहे हैं आप कैसे स्टोर कर रखा है भैया, इतनी जगह कहाँ से लाएंगे, क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई बताइए जरा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस चीज को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, इस बात को आप अच्छे से समझ भी चुके हैं, किस चीजों को यहां पर आप इस बात को समझ चुके हैं कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या है, गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज है, डायरेक्ट एक्सचेंज है। लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या था? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ द वैल्यू, ये कुछ हमारी प्रॉब्लम थी। अब आपको पता है कि किसी प्रॉब्लम के साथ हम कब तक साथ में रहेंगे, एक ना एक दिन तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे, क्लियर है? तो एक टाइम ऐसा आया कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सब्सिट्यूट में एक चीज अपने आप डेवलप होने लगी। वो क्या डेवलप होने लगी, आप मेरी बात को पहले कहानी के जरिए समझिएगा, फिर उसके बाद मैं इस टॉपिक पर लौट करके वापस आऊंगा, ठीक है बच्चे? समझिएगा इस चीज को कि एक टाइम ऐसा आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपके पास में आया और आपके पास में जो है राइस है, तो मैं आपके पास में राइस लेने आया, तो राइस मैं आपके पास में लेने के लिए आया, तो आप तो मुझे राइस देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपके पास में वो है देने के लिए, बट वो जो आपको नीड है वो मेरे पास में नहीं है देने के लिए, जिसकी आपको नीड है ना एग्जैक्टली वो चीज मेरे पास में नहीं, मेरा दूसरी चीज है, तो आप उस चीज के लिए एग्री हो नहीं रहे। मैंने बोला कि सर आप ये ले लीजिए, आप कहते यार मैं मेरे पास उसका यूज ही नहीं है, तो डील होगी कैसे? तो मेरे माइंड में आया यार ये डील कैसे हो सकता है। तो एक ऐसी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स यूज कर रहा, बस समझ जाएंगे आप। तो एक ऐसी चीज मैंने मेरे हाथ में थी, वो थी सोने की कंगन, कड़ा था, गोल्ड का जो है कड़ा था। अब गोल्ड तो आपको पता है क्या चीज होता है, सोना एक ऐसा धातु है जिसके जो है कलर कभी भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उस पर कोई कलर होता ही नहीं है, बात समझी? समझे? वो आपका 1 लाख साल पहले या 1 लाख साल बाद, या मतलब कभी भी आप समय के शुरुआत से समय के अंत तक वो ऐसे का वैसा ही रहता है। इसलिए लोग उसको ज्वेलरी में ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं, ताकि वो काला नीला ना पड़ जाए, यही रहता है गोल्ड का। तो गोल्ड की इंपॉर्टेंस, गोल्ड में इस खास बात को लेकर के गोल्ड की इंपॉर्टेंस हर इंसान के पास में रहती है, क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें जो कभी खराब, कभी इसका कलर वगैरह का कोई इश्यू नहीं आएगा, तो उसको एज अ ज्वेलरी लोग यूज कर सकते हैं, और हर हर किसी के पास में गोल्ड की इंपॉर्टेंस थी रहती है। तो मैंने कहा कि यार एक काम करता हूँ, मुझे अनाज की तो सख्त जरूरत है, तो मैं अपने जो है सोने के
जो है कड़े वो आपको दे देता हूँ। तो आपने कहा ठीक है भैया, मैं कम से कम इसको अपने ज्वेलरी के में तो इसको मैं यूज़ में ले ही आऊँगा। तो आपने मुझे बदले में राइस दे दिया और वो कड़े ले लिए। पर आपको जब किसी चीज़ की नीड हुई तो आपने क्या करा, आप जिसके पास सामान लेने के लिए गए उसके पास सामान लिया तो बदले में आपको कुछ देना था, बट आप उसको राइस ऑफर कर रहे हैं तो वो राइस लेने के लिए रेडी नहीं है। तो आपने वही मेरा सोने का कड़ा जो है वो आपने उसको पकड़ा दिया। तो ये कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी इसका इसके अंदर फीचर पाया गया कि मतलब हर कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है। आपने भी एक्सेप्ट किया, आपने जिसको पास किया उसने भी एक्सेप्ट करके आपको जरूरत का सामान दे दिया, वो आगे जिसको पास करेगा वो भी एक्सेप्ट करेगा उसकी जरूरत। तो सबके गुड्स का एक्सचेंज हो पा रहा है, क्योंकि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में गुड्स का एक्सचेंज हो पाना ही बड़ा डिफिकल्ट हो पा रहा था। यहाँ एटलीस्ट ये तो हो रहा है कि आप मुझे गुड्स तो दे रहे हैं ना, तो कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी इसमें पाई गई, मतलब कि कॉमन एक्सेप्टर इसको लोग जो है कर रहे थे, इसमें ये फीचर देखने को मिला। और इसने एक काम किया, इस गोल्ड ने एक काम किया क्या कि ये एक मीडियम बन गया, एक माध्यम बन गया एक्सचेंज करवाने वाला, एक मसिया बन गया कि भैया तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपके गुड्स को एक्सचेंज करवा दूंगा, मैं हूं ना, मैं एक्सचेंज करवाने तैयार हूं, बस मुझे साथ लेकर के चलो, साथ लेके चलो, जो चाहिए वो लो, बदले में पकड़ाओ, हो गया गुड्स एक्सचेंज। हाँ भाई आपको क्या चाहिए, आपको जहां चाहिए वहां जाओ, बदले में मुझे पकड़ाओ और ले लो अपना गुड्स, आपको जो चाहिए वहां जाओ और आप बदले मुझे पकड़ाओ ले लो गुड्स, मैं एक माध्यम हूं गुड्स के एक्सचेंज का, ये गोल्ड कहने लग गया। तो इसको कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऐसी कोई भी चीज जिसमें कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी के फीचर पाए जाएंगे, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर दे, ऐसी कोई भी कॉमोडिटी, उसी कॉमोडिटी को हम मनी कहते हैं। मेरी बात समझे, मनी का मतलब ये नहीं है जो मेरे पास में पैसा है, हर एक वो चीज मनी है, हर एक वो कॉमोडिटी मनी है जो कि कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी के उसमें फीचर पाया जाएगा, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेगा, हर उस कॉमोडिटी को हम मनी कहेंगे। मेरी बात समझे? तो कह रहा है व्हाट इज मनी, मनी क्या है, तो इट इज द सर्कुलेटिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट। मनी कैन बी डिफाइंड एज द आइटम दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट फॉर अ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द रीपेमेंट ऑफ डेब्ट इन अ पर्टिकुलर कंट्री। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मनी कहते हैं। अब मनी के ऊपर अगर हम आ गए हैं तो भैया सबसे तगड़ा यहाँ पर कंसेप्ट लगता है क्या, कि यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि फंक्शन ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी क्या है भैया, मनी तो क्या है ये पता लग गया, मनी का कार्य क्या है। अरे जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी, जो लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन को दूर करना ही मनी का फंक्शन है, मनी आया ही इसलिए। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? तो मनी के फंक्शन बेसिकली दो फंक्शन है, एक आपका प्राइमरी फंक्शन, एक आपका सेकेंडरी फंक्शन। अब सवाल यह है कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है और सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है बच्चे। तो अब यहां पर आप देखेंगे प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो मेरा प्राइमरी फंक्शन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्राइमरी फंक्शन यह कि मैं आपके सिलेबस को कवर करवाऊं, आपके सिलेबस को अच्छे से पढ़ाऊं, ये मेरा प्राइमरी फंक्शन है। मेरा सेकेंडरी फंक्शन क्या है कि मैं आपको मॉरलिटी बताऊं थोड़ा सा, कि किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, समाज में हमें कैसे रहना चाहिए। एज अ टीचर होने के नाते मेरा ये भी जो है फंक्शन है, मेरा ये भी कार्य है, लेकिन ये कार्य मेरा क्या हो गया, ये इस कार्य को मैं सेकेंडरी फंक्शन ऐसा रखूंगा कि क्लास हुई, क्लास में 5 मिनट बच गए तो हमने, या बीच में कोई ऐसी बात आ गई तो थोड़ा सा हमने मॉरलिटी के ऊपर बात कर ली। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्लास में आया और मैं मॉरलिटी के ऊपर पूरे दिन पूरे 1 घंटा बात करके चला गया, ये नहीं ना, क्योंकि मेरा प्राइमरी फंक्शन क्या है, आपके सिलेबस पे काम करना है। तो आप समझ रहे हैं कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है। इसी तरीके से मनी के भी दो तरीके के फंक्शन है, एक कौन सा, एक प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। जब सेकेंडरी पे आऊंगा सेकेंडरी की बात करूंगा, आप प्राइमरी पे आ जाइए पहले। हाँ जी, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है बच्चे, बताइए जरा कमेंट करके बताइए कि समझ में चीजें आ रही है नहीं आ रही है, पढ़ने मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ जी, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्लियर है, एंड मेजर ऑफ वैल्यू। अब बच्चे यहां पर प्राइमरी फंक्शन अगर आप देखते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मैंने आपको बताया मनी आया इसलिए था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करने लग गया, ये बात समझे। तो इसका प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। आज हम हर चीज को हम मेजर कर सकते हैं मनी के फॉर्म में, है ना, क्लियर है। आप देखिएगा ये घर है कितने का है, ये बोर्ड है कितने का है, मैं जो सर्विस दे रहा हूं उसकी चार्जेस क्या है,
तो हर चीज को आज हम मेजर कर सकते हैं, आज उसकी यूनिट है रुपीस में, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो मनी का जो प्राइमरी फंक्शन निकल करके आया, एक तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करा, जिससे कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो इश्यूज थे उसको सॉल्व कर दिया। अब जो मेरी नीड की चीज है वो मेरे को अगर आपके पास दिख गई तो मैंने आपसे वो लिया, और बदले में मैंने आपको आपकी नीड्स की चीज़ नहीं दी, बदले में मैंने ये गोल्ड दे दिया, या मैंने एक ऐसी कमोडिटी दे दी जो कि हर कोई इसको एक्सेप्ट कर लेगा। आप भी जब किसी को दोगे तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा और वो आपकी नीड को फुलफिल कर देगा। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम कर रहा है, तो इसका ये फंक्शन हो गया मनी का। लेकिन इसको इनडायरेक्ट एक्सचेंज कहते हैं, क्यों? क्योंकि आप देखिएगा ना, आपको जिसकी नीड थी तो वो मैंने आपको दे दिया एजुकेशन, पर जिसकी मुझे नीड है उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा ना, ये इनडायरेक्ट एक्सचेंज हो गया। बार्टर सिस्टम में डायरेक्ट एक्सचेंज होता था, और मनी का मनी में इनडायरेक्ट एक्सचेंज होता है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है और मेजर ऑफ वैल्यू, दो इसके प्राइमरी फंक्शन है। पहला काम तो भैया मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए लाया गया था, उसका दिया, अब देखते हैं तो मेजर ऑफ वैल्यूज भी करता है। क्लियर है? अरे ये तो इंसान की वैल्यू नाप लेता है भैया मनी, क्या आप क्या बात कर रहे हो, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें तो आपको। हाँ जी, सेकेंडरी फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो सेकेंडरी फंक्शन में इसका जो दूसरा काम है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। भैया आज के टाइम पर अगर आप मुझसे उधार लेते हो, इन अ फ्यूचर विद इंटरेस्ट आप मुझे रिटर्न कर दोगे, तो वहां पर मेरे मुझे कोई लॉस नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि उसके नोट की क्वालिटी को लेकर के कोई हमारे बीच में इश्यूज भी क्रिएट नहीं होंगे। क्लियर है? स्टोर ऑफ वैल्यू, आज के टाइम पर हम कैसे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं? आप सबके पास अपना अपना बैंक बैलेंस है, उसकी कोई हेडेक नहीं है कहाँ और कैसे कितना रखना है, कितनी जगह पर रखा जाएगा। तो फंक्शन ऑफ मनी हो गया ये, बात समझे? क्लियर है? अब वेरियस स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी, मतलब कि मनी में किस किस तरीके से चेंजेस आए, एवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे आया मनी, फिर उसके बाद कैसे कैसे इसमें वेरियस स्टेप्स आए, तो एवोल्यूशन कैसे हुआ इसमें। तो फर्स्ट है क्या, कमोडिटी मनी। तो सबसे पहले कमोडिटी मनी आई। कमोडिटी मनी क्या आई कि एक ऐसी चीज जिसको हर कोई चाहता है, हर कोई एक्सेप्ट करता है। लाइक आपको मैं बताता हूं कि मान लो बादाम, भैया बादाम किसी को भी दो क्यों नहीं लेगा, हर कोई लेगा दिमाग बुद्धि के लिए। अखरोट, मतलब कोई भी कमोडिटी ऐसी जिसकी डिमांड सबके पास में, सबको उसकी नीड है। तो सबसे पहले कोई कमोडिटी के फॉर्म में आया था ये, कि कोई कमोडिटी जो सब ले लें, तो कमोडिटी को आप लोग आपस में पास करने लग गए। इन द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ अ ह्यूमन सिविलाइजेशन एनी कमोडिटी दैट वॉज द जनरली डिमांडेड एंड अ चूसन बाय द कॉमन कंसेंट वॉज यूज एज अ मनी। वेरियस गुड्स लाइक द स्किन, सॉल्ट, व्हीट, राइस एटसेट्रा। उसके बाद मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी क्या होता है, लाइक जैसे मैंने बताया ना आपको, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो उसके बाद ये चीज ऐसी थी जिसको जिसमें एक्सेप्ट सब कोई करते थे इसको। तो उस पर उसके बाद फिर हमारी कम्युनिटी मनी से हमारा मेटेलिक मनी, क्योंकि कम्युनिटी को कैरी करना बड़ा डिफिकल्ट होता था। कम्युनिटी को आप एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं तो आज के टाइम हम पैसा पर्स में डाल के ले जाते थे, अब तो वो भी डाल के ले जाते हैं, अब तो हम फोन पे पेटीएम से चले जाते हैं, अब कोई हमारे पर्स से पैसा भी नहीं निकाल सकता है। बेचारे चोरों के लिए एक अलग लेवल की समस्या आ गई है, लेकिन चोर भी एक अलग लेवल के आ गए। तो उसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए फिर हम मेटालिक मनी लेकर आ गए, लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड एक्सेट्रा। इसमें क्या था, कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी थी, हर कोई इसको एक्सेप्ट करता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो ये एज अ मनी काम कर रहा था। तो विद द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन कमोडिटी मनी चेंज इन टू द मेटालिक मनी। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा वर यूज एज दे कुड बी इजिली हैंडल, एज देयर क्वांटिटी कैन बी इजिली, इट वॉज द मेन फॉर्म ऑफ द मनी। उसके बाद क्या हुआ, पेपर। उसके बाद आपका पेपर मनी आया। पेपर मनी में क्या रहा, आप जैसे आपके पास जो नोट है वो पेपर मनी है, क्योंकि यहां पर भी प्रॉब्लम आई थी कि भैया उस मेटल को लेकर के जाना, उस मेटल को जेब में खनखाना, कहीं जा रहे हो तो खन 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 बोलते हुए जा रहे हो, वो भी एक बड़ी समस्या थी। तो उसके बाद क्या था, उसको कैरी करना बेसिकली एक मेजर प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद पेपर मनी आ गया। तो इस तरीके से मनी हमारा जो धीरे धीरे डेवलप होता रहा, और आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज यही होता है। इट वॉज द फाउंड द इनकन्वीनियंट एज वेल एज द डेंजरस टू कैरी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स फॉर द प्लेस टू प्लेस। सो इन्वेंशन ऑफ द पेपर मनी मार्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब सवाल है कि भैया सबसे पहले तो कोई कमोडिटी मनी पे विश्वास करते थे कि भैया अगर बदले में कुछ दे रहा हूं सामान, तो बदले में अगला भी तो मुझे कुछ सामान दे रहा है, तो वहां पर ट्रस्ट था। फिर चलो मेटेलिक मनी आई कि चलो सामान दे रहा हूं तो सोना चांदी कुछ तो मिल रहा है बदले में, यूज कर लेंगे एज अ ज्वेलरी, तो उस पर भी ट्रस्ट था। अब समस्या जब आई, अरे यार मैं दे अपना सामान रहा हूं, दे मुझे एक कागज रहा है, अरे कागज का मैं क्या करूंगा भाई, इससे मेरी कौन सी नीड फुलफिल हो जाएगी। तो उस कागज के ऊपर लोगों का विश्वास हो, लोग इस पे एक्सेप्टेबिलिटी आए,
लोग इसको एक्सेप्ट करें, तो जो देश की जो गवर्नमेंट होती है, खासकर का जो सेंट्रल बैंक का जो हेड होता है जिसको हम गवर्नर कहते हैं, वो गवर्नर उस पर साइन भी तो करता है, उस पर प्रॉमिस भी तो करता है कि जिसके पास में रहेगा मैं उसको इतना पे करने का प्रॉमिस करता हूँ। तो एक तरीके से ऑथेंटिक हो जाता है, लोगों का ट्रस्ट आ जाता है, देन इसमें कॉमन एक्सेबिलिटी के फीचर आ जाते हैं जिसकी वजह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर वर्क कर पाता है। तो फिर अब पेपर मनी जो है ज्यादा चलता है। क्लियर है, समझ गए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट मनी में जैसे कि आप देख सकते हैं ना, ऑलमोस्ट साइड बाय साइड दैट द पेपर मनी पीपल कीप द पार्ट ऑफ देयर कैश डिपॉजिट विद द बैंक्स विच दे कैन विड्रॉ एट द देयर कन्वीनियंस थ्रू द चेक। तो इसको हम क्रेडिट मनी कहते हैं। तो अब फिर मनी के बाद फिर चेक वैक इशू हो गया था ना, एक जमाना था जिसके बाद चेकबुक है। खैर आप लोग तो अभी नए बच्चे हैं, लेटेस्ट है हम लोग के टाइम पे चेकबुक है इसके पास में। फिल्मों में होता था कि भाई मैं ये लो ब्लैंक चेक साइन कर लो, हम कहते भाई क्या चीज़ है। तो मनी इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी। फिर बाद में आया कि जरूरी नहीं वो पैसे होना चाहिए, एक अपने चेक इशू करा वो अपने साइन से ही किसी को पेमेंट कर सकता है। उसके बाद क्या आया, प्लास्टिक मनी, जो आज के टाइम पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये सारे प्लास्टिक मनी चल रहा है ना हमारे पास में, कहीं गए स्वैप करा यूज कर लिया। तो ये हमारे पास में वेरियस स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मनी रहा है, ये कुछ स्टेजेस हमारे पास में रहे हैं। क्लियर है जी। द लेटेस्ट टाइप ऑफ मनी इज द प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। दीज कार्ड एलिमिनेट द नीड फॉर द कैरिंग कैश फॉर द पर्पस ऑफ द मेकिंग कैश ट्रांजेक्शन। आज कैश ट्रांजेक्शन इन प्लास्टिक मनी से हो रहा है। पहले कैश को अगर आज 50,000 रुपये भी मुझे ट्रांजेक्शन करने हैं, मुझे कहीं से एक टेलीविजन लेना है, मुझे 70,000 की पेमेंट करना है, तो मैं जाऊंगा अपना कार्ड लेकर के वहां पे लूंगा 70,000 रुपये, स्वैप कर लूंगा। एक टाइम था जब ये हमारे पास प्लास्टिक मनी थी, तो अब 70,000 रुपये जेब में डाल के ले जाना पड़ता था, और उसमें किसी ने चोरी कर लिया, निकाल लिया, कहीं गिर गया, वो एक अलग समस्या होती थी। तो प्लास्टिक मनी आज के टाइम पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप दिल्ली से कहीं घूमने जा रहे हो तो जे कैश आप ये नहीं कि पूरा 15-20 हज़ार रुपये कैश आप बिल्कुल रबड़ में बांध के जेब में डालोगे, नहीं, आप जनरली क्या होता है जो आसपास जो आप रास्ते में जाने आने में कुछ चेंज वेंज रख लोगे, अच्छा एटीएम ले लोगे, आप धीरे धीरे अपने वहां निकालोगे, वहां पे यूज करते रहोगे करोगे। नहीं तो पहले आप ट्रिप में जा रहे हैं और रास्ते में आपके जेब से सारा पैसा निकाल लिया, हो गया ट्रिप कैंसिल, पैदल घर आ रहे हो। तो प्लास्टिक मनी आज के टाइम पे ज्यादा कन्वीनियंस हो गया। क्लियर है जी, बात समझ रहे हैं, क्लियर है। व्हाट इज द फिट मनी, अब सवाल यह है। इस सवाल के लिए आप अगली कक्षा में आएंगे, और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को बड़े डिटेल में, बड़ी खूबसूरती के साथ में, और ये कंटेंट आपको भी मिल जाएगा, ठीक है जी। अब मैं इसमें लिखवाऊँ क्या, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को बड़े प्यार से, बड़े दिल से सजा के आपके सामने में मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो फिट मनी क्या है आपके पास में, थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंट मोटिव ऑफ द होल्ड मनी। तो ये भी हम समझेंगे, यह भी बड़ा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है जी, तो हम अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।